भाई लोग, आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई बताने वाले हैं कि बीच में के अंदर जो बैकपैक होता है उसमें क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या नहीं। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, फालतू चीज़ें रख लेते हैं और बैकपैक फुल हो जाता है, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आता और यहाँ पर कुछ भी भर देते हैं बैकपैक। और भाई आपका जो काम का चीज़ रहता है वो रख नहीं पाते और जो काम का नहीं रहता वो भी बैग में भरा रह जाता है, उसकी वजह से क्या होता है बैकपैक फुल हो जाता है। तो यार दिक्कत बहुत ज़्यादा देता है। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या क्या आप लोग को रखना चाहिए। छोटी सी वीडियो, उससे पहले अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस अपने वीडियो पे चलते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग में जाना और यहाँ पर पिकअप का ऑप्शन आएगा जिसमें आप लोगों को इनेबल और डिसेबल करना है। तो पिकअप भाई आप लोग को हमेशा इनेबल रखना है और इसमें जो भी आप लोग जितना उठाना रहता है वो अपने से उड़ जाता है जितना आप लोग यहाँ पर करोगे। जितना भी एमओ यहाँ पर, बस आप लोगों को 7 का जो एक गन है ना वो एआर में, वो आप लोग को 150 रखना है। और जो यहाँ पर आप लोग को M416 वगैरह जो भी 5 एमओ लगता है उसमें आप लोग को 250, क्योंकि स्प्रे देने में थोड़ा खर्च हो जाता है एमओ बहुत ज़्यादा ही, तो आप लोग 250 रखता है। M416 AKM में आप लोग को 150 रखना है। अब फर्स्ट एड की बात की जाए तो मेडिकेट आप लोग को एक रखना है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाता है, तो आप लोग को एक रखना है। और यहाँ पर जो फर्स्ट एड किट है वो गाइज आप लोग को रखना है 3। और यहाँ पर बैंडेज आप लोग को 10 या 5 रखना है, वैसे 10 ही रखना ताकि काफ़ी ज़्यादा काम आता है। इधर जो दिन का आप लोग को 4 और पेन किलर आप लोग को 3 रखना है। और भाई यहाँ पर आप लोग को सिरिंज 1 रखना है और ग्रेंड वगैरह को गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 0 रखना है, स्टंट ग्रेंड और स्टिकी बम को भी 0 रखना है। और यहाँ पर आप लोग फ्रैग ग्रेंड 3 रखना है और यहाँ पर आप लोग को मोलो जो कॉकटेल है वो 1 रखना है और यहाँ पर स्मोक वगैरह 3 रखना है। अब बात करें ये सब स्कोप की तो वो सब तो एक ही रखा जाता है, 10 रखने से कोई फायदा नहीं क्योंकि स्कोप तो भाई एक गन में ही चलाना पड़ेगा जो कि दोनों, एक क्लोज रेंज के लिए होता है एक लॉन्ग रेंज के लिए होता है, तो आप लोग को ऐसे ही रखना है। तो अब बात करें यहाँ पर गाइज मैं आप सभी को दिखा देता हूँ बैकपैक में करके कि कितना कितना सामान मैं यहाँ पर लूट के आया हूँ और कितना बैकपैक में यहाँ पर खाली है मैंने देख सकते हो यहाँ पर। तो अब मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो जो भी मेरे बैकपैक में है वो है भाई AKM में रेड डॉट लगा एक्सटेंडेड बैग और कंपोजिट, और यहाँ पर स्कारल में आप लोग को देख सकते हो 6x है और हाफ गिट वगैरह, और यहाँ पर बैकपैक वेस्ट और हेलमेट है और एक मेडिकिट है, एक सिरिंच है और 3 फर्स्ट एड है जो आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर 10 बैंडेज है और यहाँ पर 3 पेन किलर है, 4 एनर्जी ड्रिंक है और एमओ आप लोग देख सकते हो 200 से काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर आगे की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत एमओ उठा लेता हूँ ताकि थोड़ा बैग तो खाली था तो एमओ उठा लेता हूँ। अब बात करें गाइस मैं आप सभी को सबसे पहले दिखा देता हूँ मेरे बैग में और सब क्या है, जो कि गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्रेनेड है, मोलोटोव है और स्मोक है। मतलब आप लोग अब कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि एक चीज़ की भी अगर कमी हो गए तो भाई मतलब डिसलाइक मार के जाना, और भाई यहाँ पर एक चीज़ की भी आप लोग को नहीं दिक्कत होने वाली, एक रिकॉल के लिए गन है ही लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के लिए तो एक नंबर है, और यहाँ पर फर्स्ट एड काफ़ी सारे हैं और ग्रेनेड वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। एक चीज़ की भी दिक्कत हो जाना है तो आप लोग डिसलाइक मार के जाना, और अगर नहीं हो तो भाई शेयर ज़रूर से करके जाना और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर देना। तो भले छोटी सी वीडियो तो आज की यार बस यार आज के लिए बस इतना, अगर आप लोग आज की वीडियो थोड़ी सी भी चली गई तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि यहाँ पर तुम्हारे भाई को भी, तुम्हारे फ्रेंड वगैरह को भी पता चल सके कहीं यहाँ पर कितने सारे सामान रखने चाहिए। तो एडजस्टमेंट तुम्हारे भाई ने बता दिया, तो मैं मिलूंगा किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू गाइस।